हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो और एक ब्लॉग लेके आज मैं आ गई हूँ फिर आप लोगों के पास। सो आज मॉर्निंग से क्या कर रही हूँ, यही है ब्लॉग का मतलब टॉपिक। सो आज ना अभी सुबह से बहुत ही काम हो चुका है, जैसे कि सुबह उठ के पहले झाड़ू पोछा कर दिया है मैंने पूरा घर को, और उसके बाद अभी आज मैं इतना सारा कपड़ा लिया हूँ ना मतलब धोने के लिए, पर अभी तक धोई नहीं हूँ। सो सब कुछ यहाँ पे भिगो के रखा है, यहाँ पे है दो गमला। सो एक में है प्राची का और एक में है हम लोगों का मतलब घर का और हस्बैंड जी का और मेरा। तो ये सब कपड़ा मैं धुला भी करूँगी, पर पहले प्राची को सुला दूंगी थोड़ा सा, उसके बाद नहीं तो प्राची ना मुझे करने नहीं देगी काम। और उससे पहले हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस, तो वो ब्रेकफास्ट आज सिंपल सा ब्रेकफास्ट करके तो अभी लंच पे आएंगे वो, तो उसके पहले मुझे बहुत सारा काम है वो सब कर लूँगी। और जैसे कि किचन एरिया यहाँ पे है, अभी सेट हो चुकी है सब कुछ, तो यहीं पे चल रहा है। तो बुधवार को हमने यहाँ पे मतलब किचन का जो स्टार्ट किया है, महालया का दिन कल था। सो आज है थर्सडे और यहाँ पे प्राची, बहुत बदमाश हो चुकी है अभी। और अभी इस बिस्तर में मुझे क्या बोलता है चद्दर बिछाना है, वहाँ पे भी मैंने मतलब सब कुछ मैंने अभी धोने के लिए पर्दा वगैरह सब कुछ धोने के लिए ले लिया है। मतलब जैसे दुर्गा पूजा है ना, तो दुर्गा पूजा के टाइम पे अभी सब कुछ धुलाई करना है, कुछ धुलाई किया हुआ है वहाँ पे, अभी बाकी सब ले आया है मैंने धुलाई करने के लिए। और यहाँ पे अभी तक चद्दर नहीं बिछाया है, जैसे कि तकिया कवर वो सब नहीं बिछाया है मैंने। सो ये सब मुझे सेट करना है, और काम है कपड़ा धुलाई करना, खाना बनाना, प्राची के साथ टाइम स्पेंड करना, उसे सुलाना, उसे खिलाना, थोड़ा सा खेलना भी उसके साथ, ये सब बना रहेगा। और एक काम है वो है सो मंदिर का सामान, यहाँ पे है भगवान जी का मूर्ति है, तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल भगवान जी को सेट कर रही हूँ कुछ दिनों के लिए, जैसे देखते कब तक रहेंगे यहाँ पे, तो ऐसा कुछ सेट किया है अभी तक। फिर नाश्ता बनाने के लिए देरी हो गया था, तो नाश्ता बनाने के लिए चली गए, तो एकदम शॉर्टकट सा दूध को उबाल के रख दिया है और चाय बनाया था, और वहाँ पे ब्रेड को जैम से लगा के खा लिया हम लोगों ने, और केला मतलब बनाना खा लिया है। तो ये आज सिंपल सा हम लोगों का ब्रेकफास्ट। और मैं सोच रही थी कि काम पूरा करके मतलब पूजा वगैरह करके उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँ, पर ना सुबह ही उठी हूँ और बहुत सारा काम हो चुका है, उसके लिए बहुत भूख लग गई थी तो मैं ना रुक नहीं पाई, तो मैंने भी थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लिया है। तो ये तो देखिए गाइस, आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है बताइएगा, तो ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगेगा देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब तो करिएगा, और जो पहले से देख रहे हैं वो लोग भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो अभी किचन का एरिया का सारा कुछ काम मेरा हो चुका है, तो ऐसे ही मैं फिलहाल ऐसे सेट करके रखी हूँ, क्योंकि फिर पुटिंग वगैरह करना है कलर वगैरह, तो वो सब में फिर से तो होना ही है, सब कुछ बिखरा तो ये सब। और थोड़ा सा भगवान जी का यहाँ पे केला रखा है, और थोड़ा सा यहाँ पे बूट भिगो के रखा है, तो थोड़ी बहुत प्रसादी हम लोग खाएंगे, प्रसादी के लिए रखा है यहाँ पे दूध उबाल के रखा मैंने। सो यहाँ पे ऐसा है, ये है किचन एरिया मेरा मतलब हम लोगों का, और यहाँ पे मैंने जस्ट डाइनिंग को रखा है, तो ये है किचन का लुक, तो फिलहाल तो ऐसा ही है। तो चलिए फ्रिज को बिठाना है मुझे वहाँ पे, पर कनेक्शन अभी नहीं है इसीलिए नहीं बिठा रही हूँ, यहीं पे है कनेक्शन, यहाँ पे है। सो लाइन का सामान तो रखा है यहाँ पे सब कुछ लाके यहाँ पे, पर काम नहीं हुआ लाइन का, तो ये शायद कल तक हो जाएगा।
गाइस अभी है दोपहर टाइम और जैसे कि अभी मेरा ड्रेस भी चेंज है क्योंकि ना मैंने बोला था ना कि बहुत सारा काम है, तो कपड़ा धुलाई करते करते सुबह तो मैंने नहाया था पर धुलाई करते करते फिर से मुझे भीगना पड़ा, तो मतलब बहुत सारा कपड़ा था ना तो मैं भीग गई थी, तो फिर से मैंने थोड़ा सा नहा लिया और उसके बाद प्राची को सुलाने के लिए गई थी, तो वहाँ पे मेरा भी थोड़ा सा आँख लग गया था और अभी उठ गई हूँ मैं भी। अभी क्या करेंगे, अभी लंच करने वाले हैं, लंच तो बनाऊंगी, थोड़ा सा कुछ है फ्रिज में वो सब निकाल लूँगी और कुछ बनाऊंगी। और यहाँ पे बिस्तर थोड़ा सा सेट कर लिया है मैंने और बाकी सब गंदा काम नहीं है कुछ भी, जैसे सब कुछ सफा किया हुआ है और जो पर्दा है वो सब धो के सूख भी गया है ऐसा है। और यहाँ पे है ढेरों कपड़ा, देखिए वहां से लेके यहाँ तक पूरा प्राची का है, जो मैंने बाहर नहीं सुखाया वो सबको मैंने अंदर ही मतलब दिया है रस्सी पे सूखने के लिए। और यहाँ पे है ढेरों कपड़ा, मैं दिखाती हूँ, बाहर बहुत धूप है सो वहां से लेके यहाँ पे कपड़ा है, फिर यहाँ पे भी ढेरों कपड़ा है यहाँ से लेके एकदम लास्ट तक। और यहाँ पे ऐसे इस बिस्तर को मैंने रख दिया है, यह है किचन का एरिया। तो अभी ना फिलहाल बाकी थोड़ा मतलब पर्दा सब सूख गया है, बाकी सब सूखना बाकी है और फिलहाल वैसा कुछ काम नहीं है, पर ना थोड़ा बाहर जाना है तो इसीलिए अभी हो जाएंगे फटाफट से तैयार खाना वगैरह खा के, तो 4-5 बजे हम लोग इधर से निकलने वाले हैं। सबसे पहले खाना खा लेते हैं और मेरा ना बहुत सर दर्द हो रहा है आज, पता नहीं क्यों, और काम बहुत है इसीलिए शायद, पता नहीं। तो चलिए पहले फटाफट से लंच कर लेते हैं, तो थोड़ी देर बाद फिर से आप लोग से बात करूंगी। तो चलिए गाइस, तो अभी नाइट का टाइम है, मतलब रात हो गया है, थोड़ा सा 9 बज गया है हम लोगों को। तो अभी देख सकते हैं ये मम्मी का घर में हूँ अभी हम लोग, मिर्ची आना मिर्ची आशो बनेगा लंगू पंगू। तो ना हम लोग मार्केट गए थे एक्चुअली कुछ मतलब ढूंढने के लिए गए थे, वो हम लोग को नहीं मिला आज, ये प्राची क्या कर रही है कैमरा को, तो वो नहीं मिला तो फिर हम लोग चले आए। तो इधर में ये बहुत देर हो गया था, गणेशगुड़ी गए थे हम लोग, फिर अभी ना मम्मी के घर आ गए हैं, तो सोचा कि आज यहीं पे रह जाते हैं, कल जाएंगे सुबह तो नाश्ता वगैरह करके फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग हैं यहाँ पे मम्मी के घर, वहाँ पे है मम्मी, तो टीवी देख रहे हैं यहाँ पे। तो 9 बज गया है अभी, हम लोग आ गए थे 1 घंटा पहले ही, 8 बजे आ गए थे, तो हस्बैंड जी ने बोला कि आज नहीं जाएंगे घर पे, तो यही पे रहेंगे, तो इसीलिए अच्छा है, तो चलिए रहते हैं यहाँ पे।
तो अभी करेंगे डिनर, तो डिनर करके फिर सोएंगे, फिर सुबह हम लोग को यहाँ नाश्ता करके फिर जाएंगे घर पे। प्राची ऐसे बोले तो यही है, ये लंगू पंगू कर। तो डिनर पे क्या बना है, मम्मी ने मछली बनाया है, आलू भाजी बनाया है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या बना है। तो चलिए डिनर कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर से बात करूंगी। घर पे पहुंच गए हम लोग, ताला लगा हुआ है, चाबी है नीचे हसबैंड जी के पास, वो आ रहे हैं। कल से ब्लॉग स्टार्ट किया था और अभी तक ब्लॉग को एंड ही नहीं किया मैंने, पता नहीं कितना लंबा हो रहा है या क्या। तो और जैसे कि सुबह ना मम्मी के घर से ही नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया, सो रोटी बनाया था और आलू का तरकारी, तो वो था हम लोग का नाश्ता सुबह का, वो हमने फटाफट से किया और निकल आए। तो करीब 8:30-9 बजे हम लोग निकल आए थे। फिर ना यहाँ पे शॉपिंग मॉल में हम लोग थोड़ा सा गए थे कपड़ा देखने के लिए, सो 2-3 स्पोर्टिंग लाए हैं, टी शर्ट यही है और कुछ नहीं। और अभी आ गए हैं और स्वीट्स वगैरह लिया है प्राची के लिए, और हम लोग ने वहाँ पर आइसक्रीम और स्वीट्स खा लिया था और समोसा होटल पे। और उसके बाद अभी घर पे पहुँचे पर चाबी नहीं है मेरे पास, मैं बहुत स्वीट कर रही हूँ। तो हस्बैंड जी है नीचे आ रहे हैं, वो ऊपर आ रहे हैं, और अभी फटाफट से नहा लेते हैं, उसके बाद रेस्ट करूँगी थोड़ा सा, उसके बाद ही लंच बनाऊँगी। तो यही है, कल से ब्लॉग स्टार्ट किया था और अभी तक चल रहा है, तो इसीलिए फटाफट से इस वाले ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि इसके बाद ही मैं नया ब्लॉग फिर शूट करूँगी। तो फिर मैं दिखाऊँगी कि क्या क्या लाई हूँ, एक ही साथ दिखाऊँगी, तो बहुत कुछ नहीं है इस बार, और इस बार गिफ्ट वगैरह वो सब नहीं है सबके लिए, ख़रीदा नहीं है हमने इस बार किसी के लिए भी, क्योंकि इस बार ना थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों का, क्योंकि घर बना है ना नया नया, तो बहुत ही वो हो गया है खर्चा, तो इसीलिए इस बार पेंडिंग हो गया है। पर हम लोगों के लिए मतलब थोड़ा बहुत कुछ दिया है हम तीनों के लिए, तो सब कुछ मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलती हुई बहुत ही जल्द एक नया ब्लॉग के साथ, तो अभी तक के लिए टाटा बाय।